एक छोटा सा प्रश्न है वैद्य तपन कुमार जी से। बहुत सारे एलोपैथिक डॉक्टर्स के माइंड में ये एक तो पहला प्रश्न ये है कि क्वालिटी कंट्रोल की बात अभी उठी थी, इज़ इट पॉसिबल इन आयुर्वेद। और दूसरा प्रश्न जो सारे एलोपैथिक डॉक्टर्स के माइंड में होता है, इंटरनेशनली भी लोग ये बात करते हैं, मेटल का जो यूज़ होता है तो उसको कंट्रोल, इज़ इट पॉसिबल, उसका क्या पर्पस होता है, हाउ द प्योरिफिकेशन इज दैट सो दैट इट्स नॉट हार्मफुल। As far as quality control of medicines are concerned, I must say to this august audience that quality control is required and possible when you have an inert material, inactive material. Now we are using neem, bargat, imli, haritaki, haldar, turmeric. अब नीम को आज पत्ती तोड़ के उसका चूर्ण बनाएंगे, जब उसकी पत्तियां उगी हो, वसंत आई हो, उस वक्त पत्तियां निकालेंगे, और जब पतझड़ हैं उस तरफ उस वक्त पत्तियां निकालेंगे और उसका चूर्ण बना के देंगे। जो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ कुष्ठघ्न नीम है, कंडुघ्न नीम है, तो वो रिजल्ट आते हैं। लेकिन इफ यू वांट टू एसेस और फाइंड आउट निमिडीन इन इट, देन देयर विल बी ए वास्ट चेंज। लीमड़ाना उणा पत्तामा, लीमड़ाना पाकट पत्तामा, सुकायला पत्तामा जुदा जुदा इंग्रेडिएंट्स होय, पण फॉर अस नीम और लीमड़ो हैज बीन told as Kushthagna and Kandugna, and that executed very well with Puna Limadana Pan, Lila Limadana Pan, and Sukka Limadana Pan. But like Kushthagna, Kandugna to hoya chhe. But if you try to analyze the nimidin content in it, will be very different. But still it is Kushthagna, still it is Kandugna, and satisfactorily Kandugna. So quality of control is amoxicillin की quality control हो सकती है, क्योंकि amoxicillin केरला का हो, वडोदरा का हो, अहमदाबाद का हो या एम्स्टरडम का हो, it remains the same। लेकिन नीम अहमदाबाद का, नीम बड़ोदरा का और नीम केरला का will be different। डॉक्टर साहब, very briefly, जो metal poisoning की बात उठती है, अगर आप क्लेरिफाई कर पाए ऑडियंस के लिए, अक्सर यूएस में भी जो बहुत सारे ड्रग्स इंडिया की जाती है, वो शॉर्ट में अगर आप उसको क्लेरिफाई कर पाए। हैवी मेटल्स आर हैवी मेटल फॉर द मेंडेलिफ, और द पीरियोडिक टेबल में हैवी मेटल है, हमारे लिए हैवी मेटल है ही नहीं, हम उसको मार डालते हैं। मार डाला, मेरे को मार डाला तो आप मेरे भस्म बना दी, फिर वो उसको आप तपन भी कह सकते हो, आप उसको मगन भी कह सकते हो, उसको कुछ भी कह सकते हो, वो तो भस्म हो गया। तो फिर ना वो हैवी मेटल है, ना सुवर्ण है, नथिंग। एंड टू अस अगर हैवी मेटल की टॉक्सिसिटी होती तो हमने तो टन बंधी हैवी मेटल्स सदियों से खिलाते आए हैं। सबसे ज्यादा रीनल टॉक्सिसिटी के पेशेंट तो हमारे यहाँ ही होना चाहिए, बट इट इज नॉट सो। दैट मींस वी हैव अ स्पेशल, वी इंडियंस हैव डेवलप्ड अ स्पेशल मेथड ऑफ प्रिपरेशिंग हैवी मेटल्स इनटू देयर गुड इफेक्ट्स। इन आयुर्वेदा इट इज कॉल्ड मृतानी लोहानी रसी भवंती, दिस इज संस्कृत, यू मे नॉट बी फॉलोइंग इट, लेकिन ऐसा बोला गया है कि कोई भी हैवी मेटल, जिसको आप हैवी मेटल बोलते हो, हम हैवी मेटल नहीं बोलते, हमारे लिए तो वो शिव जी का प्रसाद है, तो शिव जी का प्रसाद को अगर आप जहर करके बोलोगे तो हमको तो बहुत तकलीफ होगा ही।